जेके न्यूज़ वन के सोशल मीडिया हैंडल पर आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ नजर ये सब जानते हैं कि वादी में सरकारी स्कूल के साथ साथ जो निजी स्कूल्स हैं उनमें जो आज से दस तब्दीस का अमल जो है वो बाजब तक शुरू हो गया है और ये नज़ारे जो है शब्द के हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो इस बात से काफ़ी खुश है कि आज से जो है दस तब्दीस का अमल शुरू किया गया। हम आपको दिखाएंगे ये छोटी झलकियाँ हैं यहाँ पर जो बच्चों को लिखा गया है। वेल देखिए ये वेलकम मतलब खुश आमदीद, ये बच्चे खुश बिल्कुल। अब देख रहे हैं ये गुलमर्ग से हैं कि किस तरह से बच्चों में काफ़ी खुशियां पाई जा रही है और यहाँ पर खुशियों का मकसद ये है कि बच्चे भी अच्छी तरीके से खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक उस्ताद भी मतलब सबसे इनसे जाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस मिडल स्कूल तक के भटपुर में काम कर रहा हूँ। आज बहुत ही खुशी का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही चहल पहल आपको देखने को मिली है। आफ्टर टू ईयर स्कूल रीओपनिंग हो रही है, आज पेरेंट्स में बच्चों में बहुत ही खुशी है क्योंकि दो साल उनकी जो पैंडमिक की वजह से ज़ाया हुए हैं वो हम पूरी तरीके से हम इस साल पूरी तरीके अपनी तरह से कोशिश करेंगे कि जो उनको नुकसान हुआ पिछले दो सालों में वो हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वालिदैन के लिए हमारी यही मैसेज रही कि वो हमें सपोर्ट दे क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये ट्रायंगुलर प्रोसेस है, इसमें टीचर भी होता है और स्टूडेंट और पेरेंट, इन तीनों का आपस में रोल बनता है। जब ये तीनों आपस में अच्छी तरीके से अपना रोल निभाएंगे तभी हम एक अच्छी तालीम दे सकते हैं बच्चों को। लेकिन पेरेंट्स का यही रोल बनता है कि पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेंगे बच्चों को स्कूल भेजने में, यही हमारी मैसेज पेरेंटों के लिए। तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो निजी स्कूल हैं उन पे दस तदरीस का अमल शुरू हो गया है और भी एक सरकारी स्कूल है, लेकिन इस सरकारी स्कूल में जैसा कि हम जब यहाँ पर एंट्री किए तो आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल को इस तरीके से सजाया गया। यहाँ पर उस्ताद जो है यहाँ पर सरकारी स्कूल में उस्ताद तैनात हैं, उन्होंने किस कदर हमने स्कूल देखे हैं जो हमने देखा कि वो प्राइवेट स्कूल थे और उनमें काफ़ी सजावट है। आज जिस स्कूल में हम मौजूद हैं ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तक या बटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं। बच्चों में आने से पहले मिठाइयाँ दी गई और किताबें उनको दे दी गई ताकि वो दरस तदरीस का जो अमल है वो बाल तौर उनका चल सके। और आप देख सकते हैं ये नज़ारे जो है ये किस तरह के जैसे ईद का माहौल है, जैसे ईद होती है उस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजब तौर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते करने के बाद ही यहाँ पर बच्चे जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सरकारी स्कूल में भी जो है आज से दस तदरीस का अमल जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे हैं इनसे जाना चाहेंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले आपका नाम जाना चाहेंगे। मेरा नाम आसिया है। आसिया जी, किस क्लास में पढ़ती है? एट्थ क्लास में। एट्थ क्लास में, यस। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? आज हमें बहुत ही मजा आया क्योंकि आज दो साल बाद स्कूल खुले हैं। घर पे बोर हो रहे थे, पढ़ भी नहीं सकते थे अच्छी तरह से। हम चाहते हैं बस ऐसे ही स्कूल खुले रहे, हम अपनी पढ़ाई हासिल करेंगे, कुछ बनना चाहते है हम बड़े होके। तो बाकी बच्चों के लिए क्या मशीन रहेगी? हम उनके घर वालों को भी यही कहना चाहते हैं क्योंकि अपने बच्चे को स्कूल भेजे, वो यहाँ पे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई हासिल करे। आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही है आपको, क्या क्या मिल रहा है? हाँ, यहाँ पे हमें बहुत ही मजा आता है सर के साथ और पढ़ाई भी करते है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। घर पे मजा नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही मजा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे कुक भी है, वो हमारे लिए खाना भी बनाते हैं। अच्छा, खाना भी बनाते हैं, पढ़ाई भी देते हैं, वर्दी भी देते हैं। हाँ, सब कुछ मिलता है। चलो, एक और छोटा बच्चा इनसे जाना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम तावीद जावेद है जी। तावीद जावेद। तावीद जी, क्या नाम है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमारे मैं आज बहुत खुला हूँ, खुश हूँ क्योंकि दो साल के बाद आज स्कूल खुला हुआ। घर पे बोर रहे थे, हम घर पे क्लास ले रहे थे मगर उतना मजा नहीं आ रहा था जितना आज आ रहा है। तो बाकी बच्चों के लिए क्या मशीन लगी? जो बच्चे घर पे हैं उनको भी यही बोलते हैं यहाँ हमारे स्कूल में आओ, यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, आज हमारी बहुत खुशी है, इसलिए उनको भी बोल रहा हूँ यहाँ स्कूल में आज।
चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने यहाँ पर कुछ बच्चों से बात की तो उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, और एक सरकारी उस्ताद से भी जाना चाहेंगे, इनसे भी जाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्कूल के बारे में आपकी क्या राय है। हनुमत साहब भी साथ में हैं तो उनसे भी जाना चाहेंगे कि ये जो स्कूल का माहौल है आज, और काफ़ी देर के बाद जो दरस तदरीस का जो अमल है वो शुरू हो गया है, और बच्चे जो है वो काफ़ी खुश पाए गए हैं यहाँ पर इस स्कूल में जब मौजूद है। तकिया बटपुरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तकिया बटपुरा है, तो आज से भारत तो जो खुशी का माहौल, जैसे ईद का चांद निकलता है उसी तरह से आज बच्चों के लिए ईद का चांद है कि आज से सरकारी स्कूल में दरस तदरीस का अमल जो है वो शुरू हो गया। और आज का दिन जो है ये हम कहेंगे कि तदरीस के लिए नहीं है, ये दरस के लिए नहीं है, बिल्कुल इसे वेलकम डे हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को आपसे इंटरेक्शन करना होगा, बच्चों को मुख्तलिफ खेल कूद को जो सरगर्मियाँ हैं वो करनी होगी, ताकि बच्चे जो है उनका जहन जो है प्रिपेयर हो कि यहाँ पर खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी अब आगे जो है आने वाले दिनों में होनी है। तो इस हवाले से हमारे साथ एक उस्ताद है, इनसे भी जाना चाहेंगे। सबसे पहले इनका नाम जाना चाहेंगे। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद बेग जी। आप स्कूल में क्या? मैं स्कूल में टीचर हूँ सर। हाँ सर, तो कैसा लगा आपको दरस तदरीस का अमल? तो आप ऑनलाइन चला रहे थे, सही सही, बादल तौर का हुक्मनामा जो जारी कर दिया गया, आज से जो स्कूलों में जो है सही सही बादल तौर क्लास लिए जाएगी, सही सही, क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से, कैसा लगा आपको? हाँ, हमने इसके लिए बहुत ही इब्तदा से पहले प्रिपरेशन की थी, ठीक है। हम घर घर गए, इन बच्चों के साथ बात की, वालदीन के साथ बात की, उनको मुतमिन हमने किया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, क्योंकि जो ऑनलाइन सिस्टम था मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारी खामियां थी, क्योंकि एक तो बच्चों की जो आंखें वो तो खराब होती थी, दूसरे जो गरीब बच्चे हैं, ये तो ये जो ये स्कूल है, ये स्कूल यहाँ इस स्कूल में तकरीबन 100% जो बच्चे है शाह फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, गरीब बच्चे है। हाँ, गरीब बच्चे है, तो यही वजह इनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था। अब जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है ऑनलाइन का, ठीक है, उनको स्कूल आने का, हाँ, ये तो सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी और वालदीन के लिए भी। और आप जो इस वक्त इधर एक जश्न देख रहे हो, बच्चे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चों के चेहरों पर कितनी खुशी है, और बच्चे महसूस कर रहे हैं जैसे आज उनकी ईद है। बिल्कुल, तो वालदीन के लिए क्या मैसेज रहेगी ताकि दरस तदरीस का अमल जो है वो आगे भी जो अच्छी तरीके से चले? हाँ, वालदीन से हमारी यही रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि वो कंटिन्यू बेस पे बच्चों को इधर भेजे, हम उनके खादिम हैं, बच्चों के नौकर हैं, और हमने इस साल इंशाल्लाह रहमान एक कोशिश की है कि इस साल जो है वो ईयर ऑफ एजुकेशन रहेगा। हाँ, और हमने जाडियो साहब से भी बात की है कि वो हमें हमारे साथ ताउन करें, जो ये स्कूल है ये गुलमर्ग नेशनल हाईवे पे है, और इतनी आप बिल्डिंग्स दे सकते हैं, ग्राउंड भी दे सकते हैं, अगर उन्होंने हमारे साथ ताउन किया तो ये मॉडल स्कूल हम पेश करके देंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर दर्ज तदरीस का अमल जो है शुरू, दर्ज तदरीस जो चल रही है, इसके साथ साथ आज जो है इबादत, तो किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर होती है इसके बगैर, तालीम के बगैर? हम तालीम के बगैर भी पहले क्या हो रहा था, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो इस साल है ये ईयर ऑफ एजुकेशन है, जितने भी एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमें कहा जाएगा हम उनको मिन व अन फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, यहाँ सरकारी स्कूलों में दर्ज तदरीस का अमल जो है वो आज से जो है शुरू हो गया, लेकिन हम कश्मीरी में बोलना चाहते हैं, काफी देर से बच्चे ने हमें बोला कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या चुनाव गुरु जी? ताहिर। क्या कुछ मज बसान स्कूल में? मज़ बसान। बाकी शुरू क्या चुके सवाल? बिल्कुल स्कूल ही ना, ठीक। कौन सा गुबरे, क्या चुनाव? चले, यहाँ पर हमने बच्चों से बात की तो उनका यही कहना है कि सरकारी स्कूल तो ये इस तरह की तैयारियाँ जो है यहाँ पर बच्चों के लिए की है, और ये माहौल जो है ये जश्न का माहौल आप यहाँ पर है, ये सरकारी स्कूल में बच्चे जो है आए सहायता बच्चे आ रहे हैं जो वो यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मकसद है कि हम शायद वेलकम डे जो है वो यहाँ पर
यहाँ पर देख लीजिए ये नज़ारे जो है, देखो देखिए हमने आपको सेक्शन में दिखाया कि यहाँ पर बच्चों को बादल तौर यहाँ पर वेलकम किया जाता है, उस्ताद जो थे यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाता है, यहाँ पर बादल तौर जो है बच्चों को जो है फूल मालाएं पहनाई जाती है, और साथ साथ में हमने एक पार्लर साइड में देखा कि यहाँ पर उस्ताद जो है वो उनके जो है हेडमास्टर साहिबा है उसको जो है हेडमास्टर साहब को जो है यहाँ पर बादल तौर वेलकम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारे जो है बिल्कुल ये दूसरी जानब है, ये नज़ारे बिल्कुल ये नज़र ये उस्ताद जो है यहाँ पर हेडमास्टर साहब को कहीं ना कहीं हौसला अफजाई है, इसे हम हौसला अफजाई भी कहेंगे कि यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई भी हो रही है और उस्ताद जो है वो अपने हेडमास्टर साहब की हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसलिए ये नज़ारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में हमें देखने को मिल रहा है। छोटी सी मैसेज छोटी सी गुफ्तगू हम हेडमास्टर साहब से भी करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम हसन जी, मैं यहाँ हेड टीचर काम कर रहा हूँ सर जी। तो क्या मैसेज देगी आज की दिन के हवाले से दस्तावेज काम जो है वो आज से शुरू हो गया है? हाँ सर, आज जो ये वेलकम पेज हो रहा है तो ये जो बच्चे हैं आज बहुत खुश लग रहे हैं, मतलब उन्होंने भी कहा कि हमें के लिए तो इसलिए मतलब बहुत खुश लग रहे हैं, उनके मतलब पेरेंट्स भी कुछ यहाँ है वो भी बहुत खुश लग रहे हैं। तो सरकारी स्कूल की अगर बात करें काफी कुछ यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है, तो आपके स्कूल में क्या क्या बच्चों को देने को मिल रहा है तालीम के अलावा? तालीम के अलावा इनको मिड डे मील्स मिल रहा है, बुक्स मिल रहे हैं, यूनिफॉर्म्स मिल रहे हैं, कैश मतलब इंटर माफ कैश भी मिल रहा है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ स्कूल से मिल रही हैं। स्कॉलरशिप भी मिल रहा है जिस चीज़ को आता है स्कॉलरशिप, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है वो सरकार खुद देते हैं। तो वालिदैन के लिए क्या मसीह रहेगी ताकि दर्श तदरीस जो है उसको वालिदैन से मैं गुजार इस साल जो उम्मीद ये की जाती है कि दर्श तदरीस को पूरी तरह से चलाया जाए और वालिदैन के साथ बच्चे जो है वो अच्छी तरह से वालिदैन के जो उम्मीदें हैं वो बच्चे हमारे जो है स्कूल जा पाए और तालीम अच्छी तरह से हासिल करें, तो आपकी क्या मसीह रहेगी? वालिदैन से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आज 2.5 साल के बाद बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो उनसे मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा ताउन दे, ताउन इतना ही कम से कम घर में 1 घंटा होमवर्क के लिए, तो जब स्कूल बच्चे निकल रहे हैं उस वक्त उनका ध्यान रखें क्या वो सही साफ सुथरे जा रहे हैं या नहीं, क्या उनकी किताबें या जो वगैरह उनका सही तरीके से है या नहीं, टाइम पर स्कूल भेजना। चलिए यहाँ पर हमने हेलो सर से भी बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वालिदैन से यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को जो है मिनु अन अमल करवाएं कि और उन्हें स्कूल जो है यहाँ पर भेजे, और हम कहेंगे कि आज पूरी वादी कश्मीर में जो है सरकारी स्कूल के साथ साथ जो निजी स्कूल है उनमें दर्ज तदरीस का अमल जो है आज से शुरू किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी वालिदैन से जो वो अपने बच्चों को जो है बस स्कूल डेली बेस पर स्कूल जो है वहाँ पर भेजे ताकि तालीम को जो है मजीद यहाँ पर फ़रोग मिल सके, अच्छी तरीके से बच्चों की जो है तालीम जो है हासिल हो। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त।